इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को अपने चैनल का मोनेटाइजेशन मेरा कैसे ऑन हो गया सिर्फ दो दिन में यही बताऊंगा। मैं कौन सा कार्य किया, उन सारे कार्य को मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप यही नियम अपने चैनल के साथ अप्लाई कीजिएगा तो आपका भी चैनल जब आप मोनेटाइज कीजिएगा तो उस समय जल्दी से आपका भी मोनेटाइज ऑन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे चैनलों को देखा है कि उनका चैनल महीनों में रिव्यू में पड़ा रहता है, पेंडिंग में। तो दोस्तों, जो काम मैं किया हूँ वो काम अगर आप भी करेंगे तो आपका चैनल तुरंत। पहला काम मैंने ये किया कि मैंने शुरुआती समय में 10-12 वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया। उसके बाद मैंने अपना चेहरा आप लोगों को दिखाया। और अगर आप भी मेरी तरह अपना चेहरा वीडियो पे दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं या तो लोगों को समझाते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपका चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि आपका चैनल जब भी रिव्यू में जाता है तो लोग आपके वीडियो को अपने से देखते हैं, यानी कि पल्ले कर कर के दिखते हैं और आपका चेहरा नज़र आ जाएगा तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है आपके चैनल का जल्दी से मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए। तो ये पहला काम मैंने किया और आप भी अगर ये काम करेंगे तो आपका भी चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा कार्य जो मैंने किया वो है कि मैंने कभी भी अपने थंबनेल में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी नए यूट्यूबर के लिए, बहुत सारे नए यूट्यूबर हैं वो यही गलती कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक नया चैनल क्रिएट किए हैं तो आपको थंबनेल में, अगर आप अपने थंबनेल में अपना फ़ोटो चिपकाते हैं और आप यानी कि बहकावा, जैसे कि आपने प्ले स्टोर पर देखा होगा कि ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, इस धूम मचाने वाली ऐप हो गया, यानी कि आप मन चाहे किसी के फ़ोटो को उठा ले रहे हैं और अपने थंबनेल में चिपका दे रहे हैं, चाहे किसी हीरोइन का हो गया, सनी लियोन हो गया, सॉरी मैं इसका नाम आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूँ, अगर आप गंदे गंदे फ़ोटो अपने थंबनेल में चिपकाते हैं तो आपका वीडियो कितना भी अच्छा रहेगा, मैं आपको गारंटी लिख कर देता हूँ कि आपका चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। वो उस वीडियो को डिलीट करने बोलेगा जब आपका चैनल रिव्यू में जाएगा, तो वहाँ से आपको मेल देखने को मिलेगा कि इस वीडियो के कारण से आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं कर दिया गया है। आप उसे प्राइवेट कीजिए या डिलीट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर उसको हटाइए अपने चैनल से, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो मैंने दूसरा काम यही किया कि मैंने अपने थंबनेल को पूरा साफ सुथरा रखा, किसी को दूसरे का फ़ोटो अपने थंबनेल में नहीं डाला, किसी यानी कि जो पोर्न रिलेटेड फ़ोटो होते हैं वो मैंने कभी अपने थंबनेल में इस्तेमाल नहीं किया। तो ये रहा दूसरा काम जो मैंने किया। दूसरा तीसरा कार्य जो मैंने किया वो है कि मैंने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग में मैं हमेशा साधारण वर्ड का ही इस्तेमाल किया, साधारण कीवर्ड का ही इस्तेमाल किया, किसी की कॉपी नहीं किया। बहुत लोग डिस्क्रिप्शन में ही टैग इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिप्शन में टैग दीजिए पर वहाँ पर कोमा उमा ये सब मत भरिएगा। और यानी कि एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे अच्छे आप जो भी वीडियो में बताएँ वो डिस्क्रिप्शन में लीजिए। अगर आप टाइटल में बहकावा दे रहे हो कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए, यानी कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, या मान लीजिए किसी बीजेपी पार्टी हो गया, या किसी यानी कि किसी के बारे में आप बता रहे हो उसको सपोर्ट कीजिए, ये सपोर्ट कीजिए, तो इस सिचुएशन में भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि वो लोग को इन सारे उसके शर्त और नियम है कि आपको सिर्फ वीडियो में जो बताया है वही आप टाइटल में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में और टैग में डाल सकते हैं। आपका वीडियो कुछ और टॉपिक्स पर है और आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये काम है जो आपको नहीं करना है। मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपको, यानी कि आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये मैं अलग से बना दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाकर। इस वीडियो में जो मैंने कार्य किया है अपने चैनल के साथ, जिसके वजह से मेरा दो दिन में सिर्फ मोनेटाइज इनेबल कर दिया गया, तो उस कार्य को मैं आप लोगों को बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आप भी अपने साथ ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। और अपने चैनल, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो आपका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए अगला कार्य मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगला कार्य यह है कि आप लोग मेरे चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक की बात है, नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए।
जब अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए होगे तो मैंने देखा होगा कि मैंने किसी भी दूसरे चैनल का वीडियो, चाहे क्रिकेट का हो गया या किसी मूवी का स्टेटस हो गया या कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग्स, मैंने अपने वीडियो में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे चैनल पर एक भी कॉपीराइट यानी कि कंटेंट अलग होता है और स्ट्राइक अलग होता है, ये दोनों मेरे चैनल में कभी भी नहीं आया। मैंने किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग को अपने वीडियो में कभी भी बैकग्राउंड में नहीं चलाया है और ना ही इस्तेमाल किया है और ना ही कभी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे YouTube के सारे शर्तें एवं नियम को पता है कि किस तरह वीडियो को एडिटिंग करना है, कौन सा सॉन्ग्स को अपने वीडियो में लगाना है, बैकग्राउंड में लगाना है, किसी दूसरे कंटेंट को अपने चैनल में डालना नहीं है। जैसे कि बहुत लोग करते हैं, क्रिकेट का हो गया या किसी मूवी का डायलॉग कटिंग करके स्टेटस बना के अपने चैनल में अपलोड कर देते हैं, तो वो लोग कुछ भी कर लीजिए उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि गूगल है यार, ये बेवकूफ़ थोड़ी है। उतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे। और क्यों यार, ये तो सच में है, ये नियम जो है वो बिल्कुल सही है। आप सच्चाई से काम करोगे तभी तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। तो आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और अपना फेस दिखाना अपने वीडियो पे कभी मत भेजिएगा, और अब दूसरे चैनल का वीडियो को अपने चैनल में कभी भी अपलोड मत